केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्रालय के अभियान में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। पर्यटन का जिक्र आया तो राम वन गमन पथ का भी जिक्र निकला, क्योंकि भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में अब तक राम वन गमन के रास्तों पर पर्यटन केंद्र विकसित करने को मंजूरी नहीं मिल सकी है। छत्तीसगढ़ में इसमें ऐसे 9 क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है जहां भगवान राम के कदम पड़े थे। सरकार की मंशा है कि केंद्र सरकार अपनी स्वदेश दर्शन योजना में इसको शामिल करे। मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कई बार संपर्क किया है। इस बारे में जब केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, उसके बाद केंद्रीय टीम जैसा कहेगी फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमने पहले से अपनी लाइन तय कर रखी है, हम उस रिपोर्ट को पहले राज्यों के अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर्स को भेजेंगे, वहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो भी इस विभाग को देखते हैं, बोर्ड में जिन स्थानों पर सहमति बनेगी भारत सरकार वहाँ पर पिलर लगाएगी। ये हमारी बड़ी स्पष्ट लाइन है। हमने एक महीने का समय की अपेक्षा की है कि एक महीने के भीतर हमको जानकारियाँ मिल जाएं, ताकि अगर कहीं असहमति होगी तो हम उस स्थान को लेंगे ही नहीं, क्योंकि रिसर्च के काम में और मान्यता और विश्वास के काम में बहुत फर्क होता है। कई बार अगर वो एक रूप हो जाए तो ये सोने में सुहागा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि राम जी की याद अगर आ रही है तो राम जी पर आम सहमति बन जाए, यह बेहतर होगा। वही राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और केंद्र के राम वन गमन पथ में छत्तीसगढ़ के स्थानों को शामिल करने को लेकर चर्चा की। राम पथ गमन को उन्होंने बहुत सराहा है और कहा है कि एक अच्छी प्रयास है। उनके पास भी सर्वे है और स्टेट के पास भी है, और जो कॉमन है उसको उन्होंने पहले फेज में लिया है, और किसी प्रकार का जिस किसमें अगर वैचारिक मत भिन्नता है तो उसको अभी उस टच नहीं किया है। उन जगहों का पहले फेज में छत्तीसगढ़ सरकार विकास करने जा रही है और शेष में कार्य योजना बना करके उसमें आगे बढ़ाएगी, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य योजना है। और सेंट्रल ने भी, जो पर्यटन मंत्री आए थे, उन्होंने भी इसको सराहा है। दरअसल राज्य सरकार की मंशा है कि केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाए, इसलिए राज्य सरकार ने खुद योजना बनाई और पहले चरण के 8 स्थलों को विकसित करने और उसके बाद राम वन गमन पथ के 16 जिलों के बचे हुए 43 स्थानों को विकसित करने की योजना है। सियासी नजरिए से अलग हटकर देखें तो पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जो आस्था का केंद्र है, इसलिए सरकार चाहती है कि धार्मिक आस्था के साथ ये प्रोजेक्ट पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाला साबित होगा। लेकिन अब केंद्र कितना महत्व देता है ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राम नाम पर हे राम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आजकल राम का नाम बेहद चल रहा है। कभी चंदखुरी की बात होती है तो कभी राम वन गमन पथ की बात होती है, कभी तेरे राम कभी मेरे राम की बात होती है। राम वन गमन की अगर बात करें तो पर्यटन मंत्री आज राजधानी में थे, पर्यटन को लेकर एक कार्यक्रम था उनका। राम वन गमन पथ को भी जब निकाला गया, उसका भी सवाल किया गया, उसका भी जिक्र आया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है और केंद्रीय टीम जैसा कहेगी वैसा किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री ने मुलाकात भी की थी और इसका जिक्र भी किया था राम वन गमन पथ को लेकर। चर्चा हुई है, कोई अभी हालांकि ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इसको लेकर लगातार केंद्र की जो राम वन गमन पथ है, जो योजना है, और छत्तीसगढ़ की योजना है, दोनों में मत भिन्नता है। छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे इलाकों को शामिल नहीं किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राम वन गमन पथ में इसे शामिल किया है। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार दोनों की सर्वे टीम के जो नतीजे हैं अलग अलग क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है। खास चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं, रमेश वरलियानी जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ केदार गुप्ता जी भाजपा से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हेमू यदु जी जुड़ रहे हैं, राम वन गमन पथ शोध संस्थान जो है उसके सचिव भी हैं, पुरातत्वविद भी हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वरलियानी जी आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बार बार राम वन गमन पथ को लेकर जिक्र आता है, आप लोगों ने एक नया मार्ग भी तैयार किया है, लेकिन केंद्र की योजनाओं में जगह नहीं मिल पा रही है। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पत्र भी लिखेंगे, वह मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा गया है और केंद्रीय टीम जो कहेगी वो मान्य होगा। देखिए अभिषेक जी, ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उसको संरक्षित रखने के लिए
भूपेश बघेल की सरकार रावण कम पद पर काम कर रही है, है ना। और मेरे साथ में पुरातत्वविद भी बैठे हुए हैं। सारा जो पथ है उसके पौराणिक आधार, पुरातात्विक आधार सारे अध्ययन करने के बाद ही उस पथ को चुना गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार एक कमेटी की बात कर रही है। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसको स्वीकार करने में दिक्कत होना नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है कि केंद्र की सरकार को ये बात पच नहीं रही है कि कांग्रेस पार्टी भी रावण गमन पथ के माध्यम से जो एक सांस्कृतिक एकता का सूत्र का परिचय देना चाहती है, एक समरसता का परिचय देना चाहती है, एक आम आदमी को राम की मर्यादा से जोड़ना चाहती है, एक आम आदमी को राम राज से जोड़ना चाहती है। हमारे राम और उनके राम में यही बुनियादी अंतर है। तो वो एक राम को ध्रुवीकरण के नाम पर चाहते हैं, हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं। यही एक सोच का अंतर है, इसीलिए केंद्र सरकार हीला हालावा कर रही है। केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ है। केदार जी, क्या आप लोग नहीं चाहते कि राम वन गमन पथ को यहाँ पर भी विस्तार मिले, केंद्रीय योजना में इसे भी स्वीकार्यता मिले? या मैं आपको बता दूं कि मैं टूरिज्म बोर्ड का वाइस चेयरमैन था जब डॉक्टर रमन सरकार थी, अभी 2018 तक, 2016 से 2018 तक। और ये राम वन गमन का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया, और केंद्र से जो भारत दर्शन योजना थी उसके लिए हमने केंद्र में भेजा, परंतु केंद्र से पत्र आया कि हम जिन भागों को जोड़ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के ये भाग नहीं आते, इसलिए आप अपने प्रदेश में ये योजना बनाकर अपने स्टेट से इसे सेंक्शन कराएं। उसके बीच में चुनाव आ गए। ये सारा राम वन गम पथ का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तैयार करके केंद्र को भेजा है, और उसके बाद फिर जब केंद्र ने कहा कि वो जो बना रहे हैं उसमें ये सर्किट में ये नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसे राज्य में अपने हिसाब से सेंक्शन करके तय करें, और उस बीच चुनाव आ गए। फिर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, वही फाइल को लेकर चला रहे हैं, और अगर जब इन्होंने घोषणा कर दी कार्यक्रम हो गया तो फिर केंद्रीय मंत्री के पास क्यों जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे राम तुम्हारे राम? अरे राम सबके हैं भाई, और ये भी राम वन गमन की फाइल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चलाई हुई है। मैं वाइस चेयरमैन था टूरिज्म बोर्ड में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने भेजी थी केंद्र में ये, और ये कहता है कि हमने चालू की है। अरे राम के नाम में भी झूठ बोलते हो भाई, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचार करो। इतना झूठ कि हम चालू कर रहे हैं हम, और बोलते हैं हमारी सरकार इसे बना देगी। और ऐसा है गुप्ता जी, यदि आपने चालू नहीं आप सुनते लीजिए, ये तो फिर बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपके राम है तो ये शुरू करो, दुर्भाग्य की बात है। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, और उसको स्वीकृति नहीं दे, उसके कर नहीं पाए, ये तो बड़ा मजाक की बात है। चुनाव सरकार आपकी, राज्य में रमन सरकार, उसके बाद भी आप शामिल नहीं कर पाए। अरे अरे केंद्र सरकार ने शामिल क्यों नहीं किया? केंद्र ने सरकार में शामिल क्यों नहीं किया? अगर आपकी मंशा साफ होती तो क्यों गए केंद्रीय मंत्री के पास? अरे भाई केंद्र में शामिल क्यों नहीं करा पाए उसका जवाब दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ, आप उनसे क्यों भटकते हो? मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले स्वीकार किया और जिक्र करूंगा इसका। हमारे साथ हेमू जी, केदार जी, हेमू यदू जी भी हमारे साथ है। हेमू यदू जी से मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि जो राम वन गमन शोध संस्थान है उसमें बड़ा योगदान इनका भी रहा है। हेमू यदू जी, क्या वजह है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें इसे स्वीकृति नहीं मिल पा रही, उसमें इसे जगह नहीं मिल पा रही? आपने तो सर्वे किया है, शोध किया है, क्या छत्तीसगढ़ की बाकी जगहों पर राम का वन गमन नहीं हुआ था, उनके पद नहीं पड़े थे? देखिए, राम एक आस्था का विषय है। सदियों से ये वाचिक परंपरा चली आ रही है कि राम छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल क्षेत्र में उन्होंने 12 साल व्यतीत किए। अब इस विषय पे मेरे द्वारा सन 2005 में सर्वे किया जाकर उस पर रिसर्च काम शुरू किया गया, और ये करीब 1100 किलोमीटर की सतत यात्रा किए। उन सब स्थानों को मैंने अपने एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, उस पर मैंने उद्धित किया। और इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में 15 साल की जो
आस्था थी उसको हमने विश्वास में बदला और धीरे धीरे लोगों के बीच आया कि ये हाँ राम इस क्षेत्र से आए। अब चूँकि एक राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, राम तो एक हम सार्वभौमिक है, सबके लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ में पर्यटन केंद्र बने और उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मिल के इस काम को करें, ये मेरा कहने वाला। सेंट्रल ने हमने रामायण प्रोजेक्ट में उन्होंने रामायण सर्किट में उन्होंने सिर्फ जगदलपुर को लिया, ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हम हर चौका से सुकमा तक हमने सर्वे किया है और 75 स्थानों को हमने चिन्हित किया है, उन स्थानों को ले शामिल किया जाना चाहिए ताकि भगवान राम ये छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल क्षेत्र में वनगमन किए हैं, ये तो प्रमाणित है, हमारे वाल्मीकि रामायण में उद्धित है ये चीज़। और चूँकि हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ से भगवान राम इस स्थान से तो गए थे। आपकी सर्वे रिपोर्ट और केंद्र की सर्वे रिपोर्ट अलग अलग क्यों बता रही है? केंद्र किस प्रकार का सर्वे वहाँ की टीम कर रही है कि जगदलपुर छोड़ के और कोई जगह उनको इस पथ के लिए नहीं मिल रही? देखिए क्या है कि कोई भी चीज दो केंद्र और सेंट्रल और राज्य दोनों के अलग अलग है। चूंकि हम ये चाहते हैं कि हमने जो छत्तीसगढ़ में हरचौका से सुकमा तक से कोरिया से कोंटा पूरा हमने जो सर्वे किया है, 1100 किलोमीटर की यात्रा की है, 75 स्थानों को हमने चिन्हित किया है और उस किताब में हमने इसका उल्लेख किया है और आज यदि ये प्रमाणित है, यदि प्रमाणित नहीं होता तीसरा और इसको अब सेंट्रल जो है उसको शामिल ना करे, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। शामिल किया जाना चाहिए आपके सर्वे के मुताबिक। केंद्र कहता है कि अभी उससे उसके सर्वे में फिलहाल ये जगह है नहीं। एक पत्र जरूर यहाँ पर लिखा गया है मुख्यमंत्रियों को और एक महीने में कहा गया है कि आप लोग अपनी जो सर्वे है, अपनी जो रिपोर्ट है, इसको लिखकर यहाँ पर जरूर दें। बल्यानी जी, जब भी राम वनगमन पथ की बात होती है एक बहस सी छिड़ जाती है, जैसा कि केदार गुप्ता जी कह रहे थे कि हमने पत्र भेजा था, हमने शुरुआत की थी। अच्छी बात है, अब उन्होंने शुरुआत की थी और अब आप उसे पूरा करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि विवाद कहाँ पर होता है, क्यों विवाद की वजह बनती है? देखिए अभिषेक जी, विवाद वाली कोई बात इसमें होना चाहिए। जैसे यदु जी ने कहा ना कि ये आस्था का सवाल है। यदि भगवान राम पर आपको वास्तव में आस्था है, उन उस ऐतिहासिक धरोहर को यदि राज्य सरकार स्थापित करना चाहती है तो इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि एक राज्य में किस पार्टी की सरकार है और वो काम ये क्यों कर रही है। और सेंट्रल टीम कौन होती है तय करने वाली? जब छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद लोगों ने, यहाँ के इतिहासकारों ने स्थापित कर दिया है, यदु जी ने पूरा एक सर्वे करके रिपोर्ट दे दी है, तो सेंट्रल टीम को चाहिए कि वो यहाँ पर आके यदु जी से और अन्य लोगों से चर्चा करके अपनी शंकाओं को दूर कर लें। इसमें विवाद की बात क्यों होनी चाहिए? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सुविधा की राजनीति चलाना चाहती है कि वो जो चाहेंगे वो सही, बाकी जो चाहे गलत। हम देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। देश में सारी बातें एक तरफा हो रही है। नोटबंदी किया वो सही है उनके लिए, देश का क्या नुकसान हुआ? कोई जीएसटी देखे, जीएसटी सही है, वो कहे वो सही। आप टूरिज्म के वाइस चेयरमैन थे, आपने कहा जब इस फाइल को आपने आगे बढ़ाया था, क्या एक बार फिर से उस फाइल को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए निश्चित रूप से माननीय वल्यानी जी जो बात कह रहे हैं कि कहां किसकी सरकार है वो ना देखे, अरे केंद्र ने तो राम मंदिर, प्रधानमंत्री ने जाके शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया और आज ये बाइक रैली निकाल दिए और कौशल्या जी के मंदिर पहुंच गए और आज जाते हैं केंद्रीय मंत्री के पास कि इसको उसमें शामिल करो। अरे भैया आप शुरू करके बनाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की सरकार थी जब हमने केंद्र में फाइल भेजी थी, जब भी ये जवाब आया था कि केंद्र का जो राम वन गमन पथ है उसमें जगदलपुर शामिल है, बाकी हिस्से का आप बना लो। आखिर केंद्र का इतना बड़ा है, जब पर्यटक घूमने निकलेगा तो छत्तीसगढ़ के एक एक कोने में नहीं घूमेगा हमारा। मैं कह रहा हूँ रमेश भैया, 5-2 मिनट मुझे दीजिए। जब आपने इतना हो हल्ला किया है, गुब्बारा फोड़ा है, हम कर लेंगे भाई, आप नहीं करोगे नहीं करेंगे, तो फिर ये जबरदस्ती तू मैंने की क्या जरूरत है? हम तो स्वागत कर रहे हैं कि हमारे जो काम है उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। और राम मतलब स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम के बारे में चिंतन नहीं किया। अब ये मान गए कि राम के बिना प्रदेश में, देश में राजनीति नहीं हो सकती। इन्होंने तो 2007 में कहा था कि राम माइथोलॉजी कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है और
सुप्रीम कोर्ट में हलफ मामा दिया था, आज राम इनके हो गए, हमको खुशी है। गुप्ता जी आप आगे बढ़ाइए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? आज यार राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? अरे की कांग्रेस पार्टी के समय रखी गई, राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री से तब ताला खुलवाया था। क्या बातें करते हो आपके लिए राम राजनीति का विषय है, आपके लिए राम जो है राजनीति का विषय है, हमारी राजनीति नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। रमेश जी एक प्रार्थना सुन लीजिए, नहीं नहीं आप गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? राम मंदिर का ताला मूर्ति हमने बार ताला हमने खुलवाया, आपने तो साम्राज्य ध्रुवीकरण कर दिया, आपने वोट की राजनीति में डाल दिया उसको। पार्टी पैसा दे दे मंदिर बन जाएगा। अरे भाई चंदे की बात कहाँ से आ रही है, आप मूल मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? आप क्यों परेशान होते हैं? काम कर रहा नहीं है। मोदी जी से लेकर केदार गुप्ता तक दिक्कत ये है कि जब फंसते हैं तो मूल विषय से भटक जाते हैं। नहीं नहीं राजनीति क्यों कर राजनीति तो आप खुद दे रहे हो, हमने राम के नाम पर राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी तो हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है, किसानों पर राजनीति करोगे, जीएसटी पर राजनीति करोगे, काम करके बताइए राम मंदिर पर विषय से भटक रहे हो आप। ये जो फाइल की बात हो रही थी, राम वनगमन पथ की बात हो रही थी, क्या इसमें आपकी पार्टी आप लोग किसी तरह की मदद करेंगे छत्तीसगढ़ में इसे केंद्र के सर्किल में शामिल करवाने के लेकर? मैंने कहा कि हमने भेजी थी, मैं खुद दिल्ली गया था उसके लिए प्रयास किया था, उन्होंने कहा था कि एक स्थान जैसे डॉक्टर यदु जी बता रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे ये पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ रमेश भैया तो प्रयास पूरा उस समय भी किया था और आगे भी करेंगे। केंद्र से पहल करेंगे। रमेश भैया बात सुन लीजिए ना, अगर नहीं सुनेंगे तो डिबेट तो अधूरा रह जाएगा। अगर राज्य सरकार ने बीड़ा उठाया है तो हम बधाई दे रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं राम जी के साथ आप चल रहे हैं, आपको बधाई और काम आगे करें। इसमें जो भी आगे आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। पर ये केंद्र के पाले में क्यों डाल देते हो? आज केंद्रीय मंत्री आए झोला उठा के चल दिए, भाई साहब अरे क्या है ये? और बोल दो ये केंद्र सरकार नहीं चाहती है, अरे ये सब नहीं चलने वाला। केंद्र का बजट है, केंद्र का पर्यटन है, आप ये समझते नहीं हो। केंद्र सरकार केंद्रीय पर्यटन योजना बन रही है, उसमें शामिल होने से केंद्र के नक्शे पे आएगा। 1100 किलोमीटर इतनी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कैसे आप उपाध्यक्ष हैं पर्यटन के वरिष्ठ नेता हैं? अरे केदार जी केंद्रीय दायरे में आएगा, केंद्रीय पर्यटन में आएगा तो देश के नक्शे पे वो चीज आएगी, पर्यटन का मुद्दा आगे बढ़ेगा, इसलिए मांग रहे हैं। झूला उठाने वाली क्या बात है? केंद्र क्या और केंद्र कोई विदेशी सरकार है क्या? केंद्र और राज्य एक ही देश की सरकारें हैं, एक दूसरे से मदद नहीं लेगी क्या? उसमें क्या दिक्कत है आपको? केंद्रीय पर्यटन में यदि शामिल होता है तो ये देश के लिए गौरव की बात होगी, देश के लिए गौरव की बात होगी। जगदलपुर शामिल है उसमें। अरे हम तो सब चालू कर ही रहे हैं, हम आपके भरोसे नहीं बैठे हैं, लेकिन हम चाहते हैं केंद्रीय पर्यटन में यदि आता है पूरा क्षेत्र ये राज्य के लिए और केंद्र के लिए गौरव की बात होगी। अरे राम के नाम पे राजनीति मत करो, काम करो। कहां से होती बात कर रहे हो? टेक्निकल पक्ष इससे समझ लेता हूँ यदु जी से टेक्निकल पक्ष समझ लेते हैं। आप लोग मेरा सवाल यही था, लोग जानना चाहते हैं कि अगर एक शोध करने वाले एक पुरातत्वविद कहते हैं कि राम यहाँ से गुजरे थे, आपको प्रमाण मिल रहे हैं, तो केंद्र की दूसरी टीम को प्रमाण क्यों नहीं मिल रहे? क्या इसके पीछे वजह है? यदु आपसे सवाल जी, केंद्र आपको अगर वहां प्रमाण मिल रहे हैं तो केंद्र की टीम को प्रमाण क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए क्या है कि हमने जब ये नक्शा तैयार किया सर्वे करके, जो आप नक्शा देख रहे हैं टीवी में, ये मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नक्शा है और इसी को आधार लेके आज स्टेट गवर्नमेंट जो है ये क्रियान्वित कर रही है। 9 स्थानों का चयन किया है, उसमें 51 स्थान पहले से वो किए हैं। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो हमारे जो रिसर्च है उसको उन्होंने मान्यता दे दी है, लेकिन सेंट्रल ने जो है अभी तक उस पर मान्यता क्यों नहीं दे रही है? ये हमारा समय क्या उनकी टीम नहीं पहुंची या कोई उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया? अब क्या कारण समझ रहे हैं? उनको सर्वे करके उनको देना चाहिए, उनका उनकी टीम आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, हम उनको बताएंगे कि ये स्थान है और हम उनको प्रमाण बताएंगे कि अगर केंद्र ने एक सर्कल बनाया है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जो टीम होगी उसने उस जगहों को चिन्हित किया होगा। भाई आप ये देखिए कि चित्रकूट से सीधा जगदलपुर चले आएंगे क्या? आप ये सोचने की बात है
चित्रकूट तक आए भगवान राम, उस वक्त जगदलपुर, फिर नासिक, यानी इस प्रकार से उलझन बात करना ये तो समझ की बात नहीं है। ऐसा जो कि सेंट्रल जो है वो गलत कर रही है। इस हिसाब से उनको चाहिए कि जगदलपुर का जो जो आने का रूट है जो कोरिया से कोंटा तक का, उसमें बीच में जगदलपुर पड़ता है, उस स्थान को हमने तो राम पथ और उसे राम पद चिन्ह बनाया नक्शे में, वो कैसे आ रहे हैं ये आप देखिए। आप आपने बात कही यहाँ पे कि चित्रकूट से सीधा जगदलपुर आ जाए, हाँ। क्या बीच में कौन क्या बीच में भगवान राम कहीं नहीं, इस हिसाब से ये गलत है। सेंट्रल की जो नीति वो है नीति है वो गलत है, इसको शामिल करना चाहिए छत्तीसगढ़। और नासिक का भी जो अभी शामिल किया गया वो भी आपको लग रहा है कि उस रूट से कैसे जाएंगे? अलग है, उस रूट से अलग है। आप तो राम का रूट निकाल रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि लॉजिक है उस रास्ते से जाना, ये लॉजिकली रास्ता है? जी जी जी। कैसे लगता है आपको? नहीं वो संभव नहीं है, जिस हिसाब से हमने नक्शा बनाया छत्तीसगढ़ में, हमारी बात तो छत्तीसगढ़ से है, हम कोरिया से कोंटा तक की बात कर रहे हैं कि कोरिया से कोंटा तक जहाँ पे भद्राचलम के बाद फिर उनका माता सीता हम लोग के माँ के समान है और उसको हमने माना है, उसके आगे सीता का हरण हो गया है, वो साउथ में आंध्र प्रदेश की बात है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कोरिया से कोंटा तक हमारी आस्था छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से हरचौका से कोंटा तक चला, सबरी नदी के किनारे तक भगवान राम चले हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें 1100 किलोमीटर की सतत यात्रा की है। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में पुरातत्वविद सर्वे करते हैं और शोध करते हैं, और उनके मुताबिक यहाँ से राम का गमन हुआ था और कोरिया से जैसा बता रहे वहाँ से शुरुआत हुई थी और जगदलपुर तक, कोंटा तक ये पदयात्रा हुई थी यहाँ पर, लेकिन केंद्र की टीम इसे फिलहाल नहीं मान रही। चर्चा बहुत अहम थी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज समय मेरे पास इतना ही था। राम वनगमन पथ को लेकर चर्चा एक बार फिर से छिड़ गई क्योंकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री आए, उन्होंने कहा मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा गया है और एक महीने में मांगा भी गया है कि आपकी क्या रिपोर्ट्स यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में जो शोध हुए हैं, जो पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ से भगवान राम गए थे, ये पुरातत्वविद भी कह रहे हैं, शोध भी उनका कह रहा है और आस्था तो बरसों बरस से ये बात कह ही रही है। तो मांग यही है कि इस सर्किल में एक बार इसे शामिल किया जाए, एक बार केंद्रीय टीम आए, जैसा कि यदु जी कह रहे हैं यहाँ की पुरातत्वविद से शोधकर्ताओं से भी चर्चा हो, बातचीत हो, उनका क्या आधार था और केंद्र की टीम का क्या आधार है। एक चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक रास्ता निकलेगा और जो एक आस्था का विषय है, लोग मानते हैं कि प्रभु यहाँ से निकले थे, श्री राम यहाँ से निकले थे, वो भी लोगों को एक वन गमन के तौर पर मिलेगा और आस्था के साथ साथ पर्यटन को भी यहाँ पर एक अच्छा जंप मिलेगा, एक अच्छा उसका विकास होगा। आज का मुद्दा निकलेगा।